कल वाले लेक्चर में बेटे आप लोगों ने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों ने उस साइंटिस्ट की कुछ हिस्ट्री पढ़ी थी जिसने जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी, और साइंटिस्ट का नेम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। आई होप कि आपने कल वाला लेक्चर सुन लिया होगा। तो उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 ईयर्स तक पाइसम सटावियम, एक प्लांट है जिसे आप पी प्लांट भी कहते हो, उसके ऊपर उसने 7 ईयर्स तक काम किया था। लेकिन अपनी लाइफ में जब वो बाकी पब्लिक को बताना चाह रहा था वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है इनहेरिटेंस के बारे में, तो लोगों ने उसके काम को अंडरस्टैंड नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं किया। तो 7 साल 1856 से लेके 1863 तक उसने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। 1884 में कल आप लोगों ने पढ़ा कि उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर्स के बाद, ठीक है, उसका काम भी हो गया, उसकी डेथ भी हो गई। और डेथ कब हुई थी, 1884 में, और उसकी डेथ के 16 ईयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़े थे, ह्यूगो डी वेरिस, कॉलिंस एंड शर्मैक। ये नेम्स कल मैंने आपको लिखवाए थे। इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली मेंडल के वर्क को दोबारा से रिकॉल किया और देखा कि मेंडल तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट लाज देके गया है इनहेरिटेंस के। तो दोबारा से फिर जो मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिली थी, जो सक्सेस मिली थी, वो इन 3 साइंटिस्ट की वजह से मिली थी। अगर वो दोबारा काम ना करते तो मेंडल का वर्क इसी तरह से ही अनरिकॉग्नाइज रहता और कोई भी इसको पहचान ना पाता। तो अब यहाँ पे अगर उन साइंटिस्ट तीनों ने मिलके मेंडल के वर्क को सक्सेस दी है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी रीजंस थी जिन रीजंस की वजह से ये तीनों साइंटिस्ट मेंडल के वर्क की तरफ फैसिनेट हुए, और फैसिनेट होने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मेंडल ने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरेडिटी के लाज प्रोवाइड किए हैं। तो वो रीजंस आज हम देखेंगे कि मेंडल की सक्सेस के पीछे कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं। और वो रीज़न सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है कि मेंडल ने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को सेलेक्ट किया था, सिलेक्शन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स बेटे आपको पता है, आप किसी भी करेक्टर्स को, किसी भी बॉडी की करेक्टरिस्टिक को कहते हो, प्रॉपर्टी को कहते हो। तो यहाँ पे हमने कंट्रास्टिंग ट्रेड टर्म क्यों यूज़ की है, कंट्रास्टिंग मीन्स ओपोजिट, ओके। अब यहाँ पे मेंडल जिन ट्रेड्स के ऊपर वर्क कर रहा था वो ट्रेड्स आगे मैं आपको लिखवा भी देती हूँ जाके कि वो कौन से ट्रेड्स के ऊपर वर्क कर रहा था। जिन ट्रेड्स के ऊपर मेंडल ने वर्क किया था वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। फॉर एग्जांपल उसने हाइट को अगर स्टडी किया तो 2 डिफरेंट सैंपल्स जो उसने लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली वो पी प्लांट को स्टडी कर रहा था, तो पी प्लांट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने पी के 2 प्लांट्स जो हाइट के अकॉर्डिंग लिए, वो एक उसने टॉल लिया था और सेकंड उसने ड्वार्फ लिया। टॉल जिसकी हाइट ज़्यादा है और ड्वार्फ जिसकी हाइट कम होती है। एक और ट्रेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसके जो फ्लावर कलर था वो पर्पल एंड वाइट था, ओके। अब वो टॉल एंड ड्वार्फ को कंपेयर कर रहा था, पर्पल एंड वाइट को कंपेयर कर रहा था। उसने कोई रेंज नहीं ली थी, बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड्स लिए थे, या तो वो कलर पर्पल है या वाइट है, या फिर अगर वो कलर्स ऐसे लेता कि लाइट पर्पल है या फिर डार्क पर्पल है, तो दोनों पर्पल के ही शेड्स हैं, एक लाइट है और एक डार्क है, तो सुनने वालों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों ही पर्पल शेड्स हैं, तो लाइट एंड डार्क वो किस तरह से रिकग्नाइज करे। तो यहाँ पे भी उसने टॉल या टॉलर की टर्म यूज़ नहीं की, उसने टॉल और ड्वार्फ की टर्म यूज़ की है। टॉल जो है वो सबके लिए टॉल है, और ड्वार्फ जो है वो सभी उसे एज अ ड्वार्फ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कोई इसको ये नहीं कह रहा कि ये कम लंबा है या ज़्यादा लंबा है,
पर्पल कलर को जब सब देखते हैं तो पर्पल कलर को भी सब पर्पल ही एक्सेप्ट करते हैं, कुछ किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होती है, एम्बिग्विटी नहीं होती है कि ये व्हाइट कलर के कुछ शेड्स हैं या नहीं है। ठीक है, अगर सब इसको पर्पल कह रहे हैं तो वो पर्पल ही है, अगर वो व्हाइट है तो सब उसको व्हाइट ही कहेंगे, उसे पर्पल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसने ऐसे ट्रेड्स अपनी रिसर्च के लिए यूज़ किए थे जो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट थे। उनके कलर्स के दरमियान, उनकी हाइट के दरमियान कोई भी रेंज नहीं थी। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड्स की सिलेक्शन उसने की, और ये ऑपोजिट ट्रेड्स जो हैं उससे हेल्प कर रहे थे एक्सप्लेन करने में उसके आइडियाज़ को या उसके रिसर्च वर्क को। कोई कलर्स की रेंज या हाइट की रेंज उसने यूज़ नहीं की, बिल्कुल ही ऑपोजिट टर्म्स और बड़ी क्लियर कट टर्म्स उसने यूज़ की हैं कि अगर पर्पल कलर है या फिर वाइट कलर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइट पर्पल या फिर डार्क पर्पल है। तो एम्बिग्यूटी यहाँ पे नहीं थी, बिल्कुल क्लियर कट वो ट्रेड्स का बता रहा था। और ऐसे ट्रेड्स को उसने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की टर्म यूज़ की थी कि टॉल को उसने ड्वार्फ से कंपेयर किया और पर्पल को उसने वाइट से कंपेयर किया। ठीक है, सो फर्स्ट फिर आप रीज़न क्या लिखेंगे मेंडल की सक्सेस की, कि जो ट्रेड्स उसने क्रॉस करवाए थे, ब्रीड करवाए थे, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे, उनके दरमियान कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती थी। जब वो वाइट या पर्पल की टर्म यूज़ कर रहा है तो सबके लिए वो मीनिंग सेम ही होता है, किसी के लिए इंडिविजुअल कॉन्सेप्शन नहीं आता। अगर आप लाइट पर्पल और डार्क पर्पल की टर्म यूज़ करते हैं तो इसके अंदर इंडिविजुअल परसेप्शन जो है वो वेरी करता है, हर किसी का उसको रिसीव करने का जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि सेकेंड रीज़न क्या है मेडल की सक्सेस की। ये आप लोगों की फर्स्ट रीज़न थी, तो सेकंड रीज़न कि उसने बहुत ज़्यादा लार्ज साइज का सैंपल चूज़ किया था अपनी रिसर्च के लिए। ठीक है, सो सेकंड रीज़न हम क्या लिखेंगे, लार्ज सैंपल साइज। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लार्ज सैंपल साइज था तो वो मेंडल को किस तरह से सक्सेस दे रहा था। तो लार्ज सैंपल साइज, अब यहाँ पे हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने दो स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए दी हुई है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्या करता है कि उसने, हमने दोनों को ये बोला है कि आपने आई कलर्स के ऊपर रिसर्च करके आनी है कि आईज कलर, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये सेकंड स्टूडेंट है। ओके, अब हमने इन दोनों स्टूडेंट्स को बोला है कि आपने आईज कलर के ऊपर रिसर्च करनी है कि कौन सा आई कलर डोमिनेट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर। फर्स्ट स्टूडेंट क्या करता है कि जस्ट 10 पीपल को ऑब्जर्व करता है और आके हमें बता देता है कि 10 पीपल के अंदर आई कलर ब्लैक था, तो इट मींस कि इनकी जो पॉपुलेशन है या जो आई कलर है वो डोमिनेंट कलर है। सेकंड वाला स्टूडेंट क्या करता है कि वो जस्ट 10 पीपल्स को स्टडी नहीं करता, वो थाउजेंड्स में पीपल को स्टडी कर रहा है। उसने थाउजेंड्स लोगों को देखा है कि उनका आई कलर कौन सा है, अगर उनका आई कलर ब्लैक है तो तब वो कंक्लूड करेगा कि जो आई कलर है ब्लैक वो डोमिनेंट है बाकी सारे कलर्स के ऊपर। तो बात अगर आप दोनों की कंपेयर करें तो किसका जो रिजल्ट है, किसका कंक्लूजन आप ज़्यादा ऑथेंटिक लेंगे, जो थाउजेंड्स को स्टडी करके आया है और फिर बता रहा है कि ये डोमिनेट कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। ये वाला जो है उसने बहुत कम लोगों को स्टडी किया, बिकॉज पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो जब भी आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है तो आपका सैम्पल साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, आप जितने ज़्यादा सैंपल्स को स्टडी करेंगे, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, आपका खुद भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है उसके ऊपर, और सेकेंडली जिसको आप जाके अपना रिसर्च वर्क एक्सप्लेन करते हैं कि आपने थाउजेंड इंडिविजुअल्स के ऊपर ये स्टडी किया और फिर इसका कंक्लूजन निकाला है, तब आपकी बात को ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है। अगर आप जस्ट ये बोलें कि आपने 10 के ऊपर काम किया है और आपने ये कंक्लूड कर लिया, तो तब आपका रिजल्ट रिलायबल नहीं होता। तो आपके वर्क को रिलायबल होने के लिए आपका सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए। और मेंडल ने जो रिसर्च की थी पी प्लांट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पी प्लांट
चूज़ किए थे और फिर अपना रिसर्च वर्क उसने कंक्लूड किया था। ये सेकंड रीज़न थी मेंडल के वर्क की सक्सेस की। फर्स्ट रीज़न क्या है कि उसने ऑपोजिट ट्रेड्स को, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को सिलेक्ट किया था, कोई भी एम्बिग्यूटी उसके रिजल्ट के अंदर या उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं थी। ठीक है, सेकेंड कि उसने सैम्पल साइज जो था वो लार्ज चूज़ किया था, बहुत कम इंडिविजुअल्स के ऊपर उसने वर्क नहीं किया था। ओके, सो अब हम देख लेते हैं थर्ड रीज़न कौन सी है जो कि मेंडल के वर्क को सक्सेस दे रही है। एंड थर्ड रीज़न इज नाइस और करेक्ट डेटा एनालिसिस। ओके, नाइस और करेक्ट डाटा एनालिसिस, अब इसका मीनिंग क्या है? जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, चाहे आप किसी प्लांट के ऊपर कर रहे हैं, किसी एनिमल के ऊपर कर रहे हो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कर रहे हो, तो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आपने अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करना होता है मैथमेटिकल रूल्स को यूज़ करते हुए और स्टैटिस्टिकल रूल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बताना होता है कि आपके जो 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या 10 जो आपके सैंपल्स थे उनके ऊपर ये रिजल्ट आया, 7 के ऊपर ये आया और 3 के ऊपर ये आया। तो इट मीन्स कि आप जब भी रिजल्ट को कंबाइन कर रहे हैं किसी भी रिसर्च के अंदर, तो आप बेसिकली इन नंबर्स का मैथ, जो मैथ के रूल्स हैं, मैथमेटिकल रूल्स हैं और स्टेटिस्टिकल स्टैट के जो रूल्स हैं, आप हर तरह के रिसर्च के ऊपर अप्लाई करते हो, चाहे आपकी बायो की रिसर्च है, आपकी केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है या कोई भी आपकी रिसर्च है। ठीक है, तो रिसर्च के बाद जब आपने डाटा को एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको मैथ के जो रूल्स हैं उनका पता होना चाहिए, आपको स्टैट्स का पता होना चाहिए। बिकॉज कल हमने पढ़ा कि जो मेंडल था वो एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, मेंडल एक मैथमेटिशियन है, तो उसके लिए किसी डाटा को एनालाइज करना ज़्यादा इजी है और वो ज़्यादा अच्छा एनालाइज करेगा अपने डाटा को एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑल्दो मेंडल ने बायो का वर्क कर रहा था, कल आप लोगों ने पढ़ा कि वो प्रॉपर अपना बायो का वर्क एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जो उसने अपना कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला, अपना डाटा एनालाइज किया, जिसके लिए मैथ के और स्टैट के रूल्स की ज़रूरत होती है, तो उसके तो समझने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो तो पहले ही मैथमेटिशियन था, तो उसका जो डाटा एनालिसिस था वो ज़्यादा नाइस था, ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू एनी बायोलॉजिस्ट। सो उसकी जो डाटा एनालिसिस थी वो करेक्ट थी और नाइस थी, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं थी, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई बायोलॉजिस्ट करता तो उसके अंदर शायद कोई मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते थे। ओके, सो ये थर्ड रीज़न है कि उसने डाटा एनालिसिस जो था वो करेक्ट किया और यही रीज़न उसकी फ्यूचर में जाके वर्क की सक्सेस के लिए रोल प्ले कर रही थी। ओके, सो फोर्थ रीज़न कौन सी है कि मेंडल को अगर सक्सेस मिली है, और वो फोर्थ रीज़न है कि उसने कोई भी जेनेटिक लिंकेज की टर्म यूज़ नहीं की थी। अब जीन लिंकेज क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स को पहले पता भी होगा, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ। ठीक है, नो यूज़ ऑफ लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या है, किसी भी जीन्स के दरमियान जो क्लोज एसोसिएशन होती है, जो रिलेशनशिप होता है, उसे आप लिंकेज कहते हो। ओके, सो क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लिंकेज। ओके, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा जीन्स क्लोजर होती हैं उतना ज़्यादा इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इनहेरिट एक साथ होती हैं, इनहेरिट टुगेदर। ओके, जो भी जीन्स, फॉर एग्जांपल ये कोई क्रोमोसोम है, ये दोनों जीन्स लिंक्ड हैं और ये वाले जो जीन है ये इन दोनों से दूर है, ये भी दोनों जीन्स लिंक्ड हैं और ये
जीन्स जो हैं ये दूर हैं। दोनों जो लिंक जीन्स हैं इस जीन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये दोनों जीन्स एक साथ किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर या उसकी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होंगी। उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता जब वो म्यूसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, ठीक है। सो जितनी क्लोजर जीन्स हैं उतना ज़्यादा उनकी एसोसिएशन, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ज़्यादा है और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आने वाली जनरेशन में या ऑफस्प्रिंग्स में एक साथ इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दोनों जीन्स आई कलर की हैं और इसके अलावा हेयर कलर की हैं, तो जो आई कलर और हेयर कलर इस पेरेंट का होगा जिसके अंदर ये जीन लिंकेज है वही इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर होते हैं, बिकॉज ये दोनों जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हुई होती हैं। तो जो मेंडल का वर्क था उसके अंदर लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, इट मीन्स के जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हुई हुई हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्रॉस करवा लेते हैं, इसके क्रॉस की आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये आपने कैसे बनाना है। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्रॉस है, ये गैमेट्स हैं, आगे वैसे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जस्ट मैं यहाँ पर आपको रेशियो बताने के लिए ये ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने, पहले आप डोमिनेंट लिखते हैं फिर आप रिसेसिव लिखते हैं, ये सारी टर्म्स आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं रेशो बताना चाह रही हूँ। ओके, अब अगर आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो जीन्स हैं एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है चारों के अंदर, अब इन चारों की जो फिनोटाइप है वो टॉल है। अगर यहाँ पे कोई भी जीन लिंक्ड होती इट मीन्स कि यहाँ पे टी की जगह पे कोई और जीन जो कि कैपिटल टी ही हो सकता है इस तरह से ट्रांसफर हो रही है, तो इन सब का जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाना था। ओके, क्रॉस वाली में आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं, इसको मैं आगे क्रॉस में डिटेल के साथ जब हम मोनो हाइब्रिड के और डाई हाइब्रिड के क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले अगर रेशो फॉर एग्जांपल 1:2:1 थी, हमने ये कोई भी जीन्स लिखी हैं, ये कोई डोमिनेंट हो सकती है, ये भी डोमिनेंट हो सकती है, ये रिसेसिव हो सकती है, अगर जीन्स एक साथ लिंक्ड होने की वजह से इनहेरिट होंगी तो ये जो रेशो है ये वेरी कर सकती है, वो 1:3:1 हो सकते हैं, वो 2:2:1 हो सकते हैं। तो जितनी जीन्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ इनहेरिट होती हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो रेशो को चेंज करवा सकती हैं। तो मेंडल के वर्क के अंदर लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं था और लिंकेज का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से जो उसकी रेशो थी वो अनडिस्टर्ब रह रही थी और वो सेम रह रही थी। ये क्रॉस एंड रेशोज हम दोबारा जब मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लिंकेज होगा, जीन्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगी, तो जो हमारे पास फाइनल रेशो आती है, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, ये आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये जो रेशोज हैं ये चेंज हो सकती हैं, तो हमारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो लकीली जो मेंडल अपना पी प्लांट यूज़ कर रहा था उसके अंदर कोई भी जेनेटिक लिंकेज नहीं था, ठीक है। सो ये फोर रीजंस आप लोगों ने पढ़ी अभी कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं मेंडल की डेथ के बाद 16 इयर्स के बाद मेंडल के वर्क को रिकग्नाइज किया गया और उसे इसके सक्सेस भी मिली, तो ये फोर रीजंस आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को भी यूज़ किया, क्यों उसने कोई और सैंपल ये कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई और प्लांट या फिर एनिमल यूज़ क्यों नहीं किया, उसने पी को ही क्यों प्रेफर किया, हम पी के कुछ क्रैकर्स अभी देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पी प्लांट को चूज़ करने की मेंडल की कौन कौन सी रीजंस थी। फर्स्ट रीज़न के पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, सो फर्स्ट रीज़न इज शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या है कि जो पी प्लांट का लाइफ साइकिल था वो जस्ट 3-4 वीक्स का था,
लाइफ साइकिल हमने टर्म यूज की है, इट मींस कि जो फर्स्ट प्लांट है वो सेकंड जो जनरेशन को बनाएगा, वो सेकंड जनरेशन कितने वीक्स में बना सकता है, 3 to 4 वीक्स में। अब ये जनरेशन मींस कि एक जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो नए वाला बेबी कितने टाइम के अंदर प्रोड्यूस करवा सकता है, ये उसका लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल आप उसको कह सकते हो। तो अब यहाँ पे जो पी प्लांट है उसका 3 to 4 वीक्स का लाइफ स्पैन मेंडल को किस तरह से फैसिनेट कर रहा था कि जस्ट 4 वीक्स के बाद उसके पास एक नया प्लांट आ जाएगा और 8 वीक्स के बाद उसका नंबर भी डबल हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और नंबर इंक्रीज होने की वजह से उसका जो सैम्पल साइज है वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे पहले वाले जब आप रीजंस पढ़ रहे थे कि मेंडल के वॉल को सक्सेस क्यों मिली थी, तो आपने एक रीज़न पढ़ी थी कि जब सैंपल साइज ज़्यादा होता है तो जो रिज़ल्ट की ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से पी प्लांट का जो नंबर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है, इट मींस कि उसका सैंपल साइज ज़्यादा हो जाएगा। सैंपल साइज ज़्यादा हो जाएगा तो जो भी इस रिसर्च का रिजल्ट होगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा एज़ कम्पेयर्ड टू अगर हम उससे बहुत कम सैंपल साइज या स्मॉलर सैंपल साइज अगर हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न कि पी प्लांट को चूज़ करने की कौन सी थी, सेकेंड रीज़न इज के पी प्लांट इज अ बाइसेक्शुअल। बाइसेक्शुअल मीन्स के इसके जो मेल सेक्स सेल्स हैं और जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो एक ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड सेक्स सेल्स आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो बाइसेक्शुअल होने की वजह से, बाइसेक्शुअल मीन्स कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के ऊपर हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जा सकती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स कि आप एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के दोनों सेक्स सेल्स यूज कर रहे हो, एक ही प्लांट के ऊपर जो उसका मेल सेक्स सेल है उसे आप फर्टिलाइज करवाओगे फीमेल सेक्स सेल के साथ। तो मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स सेल्स के साथ एक ही बॉडी के ऊपर या एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की फ्यूजन को या फर्टिलाइजेशन को आप कहते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। इसके साथ साथ हम पी प्लांट की क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मींस कि एक प्लांट का आप मेल सेक्स सेल यूज़ कर रहे हो और सेकंड प्लांट का आप फीमेल सेक्स सेल यूज़ कर रहे हो, आप दोनों सेक्स सेल एक ही प्लांट की बॉडी से नहीं ले रहे, दोनों सेक्स सेल्स आप दो डिफरेंट बॉडी से, दो डिफरेंट प्लांट्स के बॉडी से, उनकी स्ट्रक्चर से ले रहे होते हो। तो अगर आप डिफरेंट प्लांट्स के मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, अगर आप सेम के यूज़ कर रहे हो तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने कब अचीव करनी है या कब आपने यूज़ करनी है, जब आप चाहते हैं कि सेम वही करैक्टर जो पेरेंट्स के हैं वही करैक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएँ, तब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस केस में प्रेफर की जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम उस केस में प्रेफर करते हैं जब हमें वेरिएबिलिटी करैक्टर्स की चाहिए होती है, हम चाहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनके करैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट से वेरी करें, डिफरेंट हों वो, ठीक है। अगर हम सेम चाहते हैं तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं कि एक ही प्लांट अगेन एंड अगेन अपने बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है, अपने ही सेल्स को यूज़ करते हुए, अगर उसने करैक्टर्स को चेंज करना है अपने आने वाले जनरेशन के अंदर, या हम अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी है, सो डैट हम अपनी रिसर्च के अंदर डिफरेंट करैक्टर्स को स्टडी कर सकें। तो दोनों इसके अंदर हो सकते हैं, इसलिए ये चूज़ करने की सेकेंड रीज़न थी मैडम। ओके, थर्ड रीज़न पी प्लांट को चूज़ करने की ये है कि इसकी जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड होती, बहुत जल्दी और इजीली ये प्लांट ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा काम इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए नहीं करना पड़ता। सो हम कह सकते हैं कि
मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये थर्ड रीजन है कि हम जो प्लांट लगा रहे हैं कि प्लांट उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली ये प्लांट किसी भी कंडीशंस के अंदर ग्रो कर जाता है। ओके, फोर्थ रीज़न जो आप लिखेंगे कि जितने भी जो पी प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो डोरमेंसी शो नहीं करते। डोरमेंसी शो नहीं करते इसका मीनिंग क्या है और डोरमेंसी क्या है? समटाइम्स प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी फिजिकल कंडीशंस होने के बावजूद अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, तो उस कंडीशन को आप डोरमेंसी कहते हो। वो अपनी ग्रोथ को रोकने की रीज़न उसकी डिफरेंट हो सकती हैं कि शायद बाहर जो इन्वायरमेंट है वो रिलायबल नहीं है, वहाँ पे बहुत हार्श कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को कोप करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो एनर्जी को सेव करने के लिए वो क्या करते हैं कि इन हार्श कंडीशंस को कम्बैट करने से बचने के लिए वो अपनी एनर्जी को सेव रख लेता है। तो अगर इन हार्श कंडीशंस के अंदर उसे ग्रो करना है तो उसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना होगी, और इस एनर्जी कंजप्शन से बचने के लिए वो अपनी ग्रोथ को ही रोक देता है। इस कंडीशन को आप डोरमेंसी कहते हो। तो डोरमेंसी पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व नहीं की जाती। जैसे ही आप सीड को सो करते हैं वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और जल्दी से आपके प्लांट की बॉडी को बना देता है। तो यहाँ पे फिर इसके शॉर्ट लाइफ स्पैन के अंदर ये डोमिनेंसी रोल प्ले कर रही होती है कि उसके अंदर कोई डिले नहीं आ रहा होता। ओके, सो फिफ्थ कैरेक्टर जो कि पी प्लांट का है कि नंबर ऑफ सीड्स जो पर प्लांट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। सो हाई नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट, हाई नंबर ऑफ सीड होगा तो आपके पास सैम्पल साइज ज़्यादा होगा, सैम्पल साइज आपके पास ज़्यादा होगा तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे, ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, पब्लिक उसको ज़्यादा रिकग्नाइज करेगी, उसे वैल्यू करेगी। लास्ट कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट जो कि हम देखेंगे वो है उसका कि उसके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट जो कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे कोई भी एम्बिगुटी, कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं होती है। तो टोटल जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो सेवन कैरेक्टर टोटल हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं, ये कैरेक्टर्स की लिस्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं और ये ट्रेट्स सेकंड वन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो कि पी प्लांट का स्टडी किया था मेंडल ने, वो है हाइट ऑफ प्लांट। ओके, अब यहाँ पे एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। जो टॉल प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो शॉर्ट ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है। सेकेंड कैरेक्टर इज फ्लावर पोजिशन, फ्लावर पोजीशन में जो एक्सियल पोजीशन है ये डोमिनेंट है एंड टर्मिनल पोजीशन इज अ रिसेसिव। इट मींस के एक्सियल में फॉर एग्जांपल ये ब्रांचेस हैं किसी भी स्टेम पे प्लांट की, तो जो एक्सियल पोजीशन है उसमें सेंटर पे कोई भी फ्लावर लगता है और टर्मिनल में स्टेम के कॉर्नर्स पे या एजेस पे कोई फ्लावर लगेगा तो इसे आप टर्मिनल कहते हो। ये फ्लावर की पोजीशन है और दो तरह की पोजीशंस हो सकती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। या तो आप जूलॉजी मेजर के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको बिकॉज मेंडल का जेनेटिक्स आपने पढ़ना है तो जस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेंडल ने जो काम किया था उसने किस पे किया था और उसके कैरेक्टर्स कौन से थे। ठीक है, सो इसका जस्ट मेंडल तक आप लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट रखना है और आपको पता नहीं होना चाहिए।
सो फ्लावर कलर, पर्पल भी हो सकता है फ्लावर का कलर पी में, एंड व्हाइट भी हो सकता है, एंड पर्पल इज अ डोमिनेंट एंड व्हाइट इज अ रिसेसिव ट्रेट। एंड पोड शेप, अब ये पोड क्या है, जितने भी पीस हैं वो जो ग्रीन कलर का आपको एक केस नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं उससे आप पोड कहते हो, तो जो पोड की शेप है वो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है। एंड इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। इन्फ्लेटेड किस फॉर्म में होगी, इस तरह से बिल्कुल स्वॉलन फॉर्म में, और कॉन्स्ट्रिक्टेड इस तरह से उसके ऊपर कर्व्स आपको नजर आएंगे। ओके, फोर ट्रेड्स आप लोग पढ़ चुके हैं, एंड फिफ्थ ट्रेड इज पोर्ड कलर, एंड पोर्ड का जो कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन इज अ डोमिनेंट पोर्ड कलर, एंड येलो भी हो सकते हैं जो कि रिसेसिव इसका ट्रेड होगा। लास्ट वन इज सीड शेप, सीड की शेप जो है वो बेटे राउंड भी हो सकती है, एंड इसके अलावा रिंकल्ड भी हो सकती है। राउंड में स्मूथ सरफेस होगी और रिंकल के ऊपर कर्व्स आपको नजर आते हैं। लास्ट ट्रेड जो कि मेंडल ने स्टडी किया था वो है सीड कलर, एंड सीड कलर येलो भी हो सकता है जो कि डोमिनेंट है, और ग्रीन भी हो सकता है, और अगर ग्रीन सीड कलर होगा तो वो रिसेसिव होगा। ओके, ये कुछ ट्रेड्स थे और कुछ रीजंस थी कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया। यहाँ पे मेंडल का इंट्रोडक्शन बेटे कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हम जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन के ये दो लेक्चर से, दोनों लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने पहले देखा कि जेनेटिक्स का टर्म्स कुछ, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर आप लोगों ने फादर ऑफ जेनेटिक्स के ये सारे हिस्ट्री पढ़ी है कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो कि फादर के, उसके फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि मेंडल है उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं होने दे रहे थे, और कौन बाद उसके वर्क को पढ़ा गया, दोबारा से रिकॉल किया गया और उसको सक्सेस दी गई। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था। ये सारे रीजंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा। अभी हम जो डिटेल स्टार्ट करेंगे वो मेंडल के लॉज की स्टार्ट करेंगे, और मेंडल के लॉज आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सो, लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में कुछ टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स में आपको पता होने चाहिए, फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद वाले में वो टर्म पहले पढ़ेंगे, फिर हम डिटेल आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन दोनों इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में कोई भी बड़े क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।